हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है आपका ड्राइंग एंड बर्निंग। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब ढलाई। ठीक है, दो तरह की मोल्डिंग होती है, इसको भी आप नोट्स में ऐड कर देना। दो तरह की मोल्डिंग होती है, एक होती है हैंड मोल्डिंग, हिंदी में हस्त ढलाई, और दूसरी अगर आप मशीन से कर रहे हो तो मशीन मोल्डिंग। ठीक है, इसको आप यांत्रिक ढलाई बोलते हो। ठीक है, और हस्त ढलाई में मैंने आपको बता दिया था कि हैंड मोल्डिंग में भी दो तरह की मोल्डिंग होती है, एक होती है टेबल मोल्डिंग और एक होती है ग्राउंड मोल्डिंग। ठीक है, टेबल मोल्डिंग और ग्राउंड मोल्डिंग। अगर आप टेबल पे मोल्डिंग कर रहे हो तो टेबल मोल्डिंग, अगर आप जमीन पे मोल्डिंग कर रहे हो तो ग्राउंड मोल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा मोल्डिंग वाला पॉइंट था। इससे पहले हमने किया था सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ साइट के बाद हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। उसके बाद ये हमारा तीसरा पॉइंट था मोल्डिंग, और अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं जिसका मतलब है ड्राइंग, जिसमें हम क्या करेंगे। अब देखिए, ईंटें बन चुकी हैं, आपने सांचे में ढाल के ईंटों का रूप बना दिया है। अब उसे कुछ समय तक आपको सूखने देना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब होगा सुखाना, और इसे एक नॉर्मल वातावरण में मतलब छाया में हम सुखाते हैं लगभग 5 से 6 दिन तक। डायरेक्ट यहां से आप उसको भट्टी में नहीं डालोगे, कुछ दिन तक आप उसको सुखाओगे ताकि एक जितना मॉइस्चर निकल सकता है वो अपने आप ही निकल जाए। ठीक है, तो अगली जो प्रोसेस है वो है हमारी ड्राइंग, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खर्चीली प्रोसेस आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, वो है बर्निंग। बर्निंग का मतलब यहाँ पे जलाना नहीं होगा, यहाँ पे बर्निंग का मतलब होगा ईंट को पकाना। ठीक है, चलिए अब आते हैं भट्टी पे जिसमें ईंटें पकानी है। किल्न दो तरह की देखी जाती है, एक है आपकी टेम्पररी किल्न मतलब अस्थाई भट्टा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, प्रमुख एग्जाम्पल है, वो है क्लैम, CLAMP, ये भट्टी को बोलते हैं। ठीक है, गांव में जो भट्टी यूज होती है, पजावा हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, क्लैम, पजावा भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप क्लैम भी बोल सकते हो या पजावा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये टेम्पररी है, मतलब इसमें होता क्या है कि आप इसको बनाने के बाद पूरा मिट्टी से ढक देते हो, और जब आपको ईंटें निकालनी होती हैं तो आप इसको तोड़ के, ठीक है, निकाल लेते हो, तो इसका मतलब इसलिए टेम्पररी है। ठीक है, दूसरा, बारिश में ये यूज़ नहीं हो पाती, तो कुछ भाग इसका ज़मीन के नीचे रहता है। ठीक है, और इसमें से जो आपको क्वालिटी जो मिलती है वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं मिलती। यहाँ पे आपका जो नियंत्रण है आग पे, ठीक है, गर्मी पे जो नियंत्रण है वो आपके पास नहीं रहता, तो इस वजह से यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी किल्न होती है परमानेंट किल्न। ठीक है, स्थाई भट्टा, जो एक बार बना दिया तो उसमें काम चलते रहता है। स्थाई भट्टे भी तीन प्रकार के देखे जाते हैं। एक ऐसा भट्टा होता है जिसमें आपको लगातार ईंटें नहीं मिलती, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट किल्न। ठीक है, यानी कि अनिरंतर भट्टा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है अलाहाबादी किल्न, और शेप इसका होता है रेक्टेंगुलर। एग्जाम में यही आता है बस कि इंटरमिटेंट किल्न कौन सी होती है, अलाहाबादी किल्न होती है, शेप रेक्टेंगुलर। ठीक है, दूसरा होता है जहाँ पे आपको, यहाँ पे तो देखिए आपको वेट करना पड़ता है बैच के ख़त्म होने का। एक बैच जब जाएगा भट्टी के अंदर, जब वो पूरा पक जाएगा फिर उसको बाहर निकालेंगे, और फिर इस वाले
दूसरे बैच को डाला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अनिरंतर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है आपका, वैसे उसको दूसरा जो आपकी बुल ट्रेंच किल्न है, ठीक है, उसको वैसे कॉन्टिन्यूस में भी गिना जाता है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे सेमी कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ क्योंकि बारिश में उसमें वो भी जमीन के नीचे होता है, ठीक है, तो बारिश में उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें इस वजह से मैं उसको सेमी कॉन्टिन्यूस में रख रहा हूँ। तो अगली जो हमारी भट्टी है वो है सेमी कॉन्टिन्यूस किल्न, ठीक है, अर्ध निरंतर भट्टा। अब अर्ध निरंतर इसलिए मैंने बोला है, वैसे तो इससे कॉन्टिन्यूस आपको ईंटें मिलती रहती हैं, लेकिन अर्ध निरंतर इसलिए बोला है क्योंकि बारिश के टाइम आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बुल्स ट्रेंच किल्न, बुल की खाई भट्टा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में याद करना है बुल ट्रेंच। और अगला है वो है कॉन्टिन्यूस किल्न, कॉन्टिन्यूस किल्न, ठीक है, निरंतर भट्टा। अब देखिए ये जो होता है मेनली जमीन के ऊपर ही होता है, तो बारिश में ये यूज हो जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस किल्न बारिश में भी अच्छे से काम करती है, इसका मतलब आपको हमेशा ईंटें मिलते रहती है, इसकी कैपेसिटी ईंटों को देने की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी ईंटें क्वालिटी वाइज भी यहीं से मिलती हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। अगर शेप की बात करें तो इसका तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर बताया था, इसका आप लिख दीजिए अंडाकार यानी कि स्फेरॉइड, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस किल्न की बात करें तो कॉन्टिन्यूस किल्न का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हॉफमैन किल्न, हॉफमैन किल, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप होता है सर्कुलर, वृत्ताकार, ठीक है। तो चलिए इनको हल्का सा और देख लेते हैं, मगर एग्जाम के जो पॉइंट है वो इतने में कवर हो जाते हैं। ये किल नहीं दिख रहा, KAILN, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, मेन हेडिंग हम ऊपर लिख देते हैं BURNING, ठीक है, बर्निंग। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्लैंप, या हिंदी में भी आप इसे क्लैंप ही बोले तो सही रहेगा, या पजावा भी आप इसे बोल सकते हो, पजावा या पजावा, ठीक है। तो ये जो क्लैंप होता है ये क्या होता है, तो ये थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है, गांव में इसी को बनाया जाता है। इसकी जो ईंटें होती है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती। देखिए मजबूत का कहने का मतलब ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भट्टी एक ही होती है और उसी भट्टी से आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक भी मिलती है, सेकंड क्लास ब्रिक भी मिलती है और थर्ड क्लास ब्रिक भी मिलती है, ठीक है। कुछ ज्यादा पक जाती हैं तो वो झामा ब्रिक हो जाती हैं, कुछ कम पक जाती हैं तो थर्ड क्लास हो जाती हैं, कुछ थोड़ी कम पकती हैं तो वो आपकी सेकंड क्लास हो जाती है, और कुछ अच्छे तरीके से पक्की होती हैं तो वो फर्स्ट क्लास हो जाती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो भट्टी है वो कैसी है। जैसे कि इस तरह की जो भट्टी होती है, क्लैंप होते हैं, इसमें आपको ज्यादातर जो ईंटें हैं वो तारो कैटेगरी में मिल सकती हैं, और जो परसेंटेज होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो थोड़ा बाकी भट्टियों के मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो प्लान होता है, अगर मैं टॉप व्यू से इसको देखूं तो ये कुछ ऐसा होता है ट्रेपेजॉइडल शेप में, ठीक है। तो एग्जाम में इसकी शेप पूछी जाती है, तो सबसे पहले हम इसका शेप लिख देते हैं, इसका जो आकार है ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है, समलंबाकार। अब कुछ हिस्सा इसका जमीन के नीचे होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एलिवेशन आपको दिखाऊं तो कुछ हिस्सा इसका जमीन के नीचे होगा, ठीक है। किस प्रकार, जैसे कि कुछ ऐसे, ठीक है, और एक ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, GL इसको डिनोट करते हैं GL से, ठीक है। इसका एंगल पूछा जाता है कि किस एंगल पे ये झुकी होती है, तो 15 डिग्री के एंगल पर जो इसका बेस होता है वो होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है कि इसका जो बेस है, ठीक है, आधार का जो कोण है, आधार का जो कोण है वो क्षैतिज के मुकाबले कितना है, 15 डिग्री पर उठा हुआ होता है, ठीक है। और अब इसमें आप क्या करोगे,
लाइन बाय लाइन अपनी ईंटों को लगाना शुरू कर दोगे जो आपने बनाई है। इससे पहले मोल्डिंग तो हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्यूल भरेंगे, ईंधन भरेंगे। फ्यूल में आप ले सकते हो लकड़ी और काऊ डंग, मतलब गोबर, सूखा गोबर, गांव में यही सब चलता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ईंटों की एक लेयर लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो नीचे की जो ईंटें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पक जाती हैं, वो फोर्थ, वो आपकी झामा ब्रिक्स बन जाएंगी। बीच वाली थोड़ा सही सही पकेंगी, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक बन जाएंगी। ऊपर वाली कम पक सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। वैसे बीच में ही आती हैं बाकी सारी कैटेगरी, क्योंकि इसके ऊपर भी फ्यूल लगने वाला है, ईंधन लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी फ्यूल लगेगा और एक और लेयर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो एक फ्यूल की लेयर है, ईंधन की लेयर है। ईंधन के रूप में गांव में लकड़ी और गोबर यूज होता है, घास फूस यूज होती है, ठीक है। इसके नीचे कुछ ऐसा, फिर इसके ऊपर आप लगा दोगे और थोड़ी बहुत इसमें खिड़कियां वगैरह छोड़ी जाती हैं ताकि धुआं बाहर निकलता रहे। और पूरा आप इसे मतलब बाहर से, कई जगह क्या होता है कि बाहर से बाद में जब आप बना दोगे तो इसके ऊपर भी क्या कर देते हो, मिट्टी डाल देते हो, बस आप धुएं के लिए क्या करते हो, जगह छोड़ते हो, ठीक है। तो कुछ तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे ही है और इसके ऊपर मिट्टी भी डाली जाती है, कई कई जगहों में ये देखा गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लैंप। अब क्लैंप की खास बात क्या होती है, तो देखो क्लैंप बस सस्ता है, इसकी एक ही खास बात है, ठीक है। ये क्या है, सस्ता है। बाकी इसमें आपका जो इसकी जो यहाँ पर क्वालिटीज मिलेंगी वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो संख्या होगी वो कम होगी, ठीक है। और इसको इस पर समय भी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा लगता है, ठीक है। कितना समय लगता है जरा देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्वालिटी क्या मिलेगी। तो आपको यहाँ पे लो क्वालिटी मिलेगी ब्रिक्स की, ठीक है, लो क्वालिटी ब्रिक्स। एक टाइम पे आप कितनी ब्रिक्स को बना सकते हो, ठीक है। तो लगभग आपको 25,000 ब्रिक बना सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको समय बताता हूँ, ठीक है। तो समय यानी कि बर्निंग टाइम, कितने समय तक इसमें आप आग लगाए रखोगे, पकाने का समय, ठीक है, पकाने का समय। तो देखिए ये महीनों में चलता है, ठीक है। हम कुछ महीनों तक पकाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ईंधन डालते रहते हैं, ठीक है, फ्यूल डालते रहते हैं। तो 2 महीने आपको सिर्फ ईंटों को पकाना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद आपको 2 महीने तक उनको ठंडा होने के लिए भी छोड़ देना होता है, ठीक है। तो कूलिंग टाइम भी क्या है, कूलिंग टाइम भी 2 महीने है। यानी कि जो एक लॉट होगा, जो एक बैच होगा ईंट का, जिसमें वैसे तो आपको यहाँ पे 25,000 ब्रिक्स मिल जाती हैं, 25,000 ईंट, लेकिन आप देखो कितने टाइम में मिल रही हैं, 4 महीने में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप आज सोच रहे हो कि मुझे कोई घर बनाना है ईंटों का गांव में या क्लैंप की सहायता से, तो आपको 4 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने उसको पकने में, 2 महीने ठंडा होने में लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले जो प्रोसेस की उसका समय अलग। तो यानी कि 25,000 ईंटें तो मिलेंगी, जो कि संख्या बहुत कम है 25,000, ठीक है। तो 25,000 ईंटें मिलेंगी लेकिन 4 महीने में मिलेंगी, तो ये आपका फायदे का सौदा नहीं है। ये बस आप इसमें बस आपके पैसे थोड़ा कम लगते हैं, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप पे आग का कोई नियंत्रण नहीं, ठीक है, आग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे भट्टियों में तो अलग अलग चैम्बर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे किसी टेम्परेचर, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है और कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है आपका क्लैंप, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह की किल्न है, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये भी थोड़ा देख लो, ये होता है टेम्पररी किल्न, टेम्पररी किल्न, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, ये अस्थाई भट्टे के अंदर आता है। मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब एक बार आप क्या करोगे, जब आपकी ईंटें तैयार हो जाएंगी तो ये पूरा आपको तोड़ना पड़ेगा और इसके अंदर से ईंटें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें ये होता है, मैंने आपको बताया नहीं कि पूरा इसको पैक किया जाता है बाद में ईंटों से, मिट्टी से, ठीक है। तो होगा क्या कि जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा टूटेगा भी, ठीक है, जब आपको ईंटें निकालनी होंगी। और साथ ही साथ अगर बारिश हो जाए तो इसका यूज नहीं हो सकता, वर्षा में उपयोग नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे है तो पानी भर जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं,
क्लैंप की। चलिए अब भट्टी पे आते हैं, इतना आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ये टेम्पररी किल्न था आपका क्लैंप। अब आते हैं परमानेंट किल्न में। ठीक है, ये एक अस्थाई बट्टा होता है। इसी में हमारा सेकंड पार्ट है परमानेंट किल्न। अब जितने भी मैं लिखा रहा हूं वो सारी क्या है, परमानेंट किल्न है। ठीक है, मतलब स्थाई भट्टा है, एक बार आपने बना दिया तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरमिटेंट किल्न। इंटरमिटेंट किल्न, ठीक है, अनिरंतर अनिरंतर भट्टा। तो इसका जो प्लान होता है, ठीक है, इसका जो आकार होता है उसकी बात करते हैं। इसका डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इसका जो प्लान होता है वो होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब आयत, आयताकार। ठीक है, अब इसे अनिरंतर क्यों कहा गया है, क्योंकि जब तक एक बैच पूरा नहीं होता, ठीक है, जब तक एक बैच पूरा नहीं होता तब तक दूसरा ईंट का बैच नहीं डाल सकते। इसलिए इसको अनिरंतर बोलते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है, नहीं डाल सकते। अब इसका समय देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका समय क्या है, तो इसका जो बर्निंग टाइम है वो 7 से 8 दिन है। पकाने का समय, बर्निंग टाइम 7 से 8 दिन। इससे पहले वाले के 2 महीने थे। इसका जो ठंडा होने का समय है वो कितना है, कूलिंग टाइम। तो कूलिंग टाइम भी लगभग आपका इतना ही होता है, 4 से 5 दिन आप मान लेते हैं। चलिए 4 से 5 दिन। ठीक है, तो लगभग अगर दोनों का एवरेज निकाल दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 12 दिन में आपको क्या मिल जाती है, एक बैच मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो कम होती है। क्षमता इसकी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर आपको 12 दिन में क्या मिल जाएगा, मतलब लॉट एक मिल जाता है। तो ये इसकी खास बात थी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल स्टार लगा दीजिए, अलाहाबादी भट्टा, अलाहाबादी किल्न। ठीक है, हिंदी में अलाहाबादी भट्टा। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो ये की शब्द याद रखना है कि जो अलाहाबादी भट्टा होता है वो आपकी परमानेंट किल्न का एग्जाम्पल है, इंटरमिटेंट किल्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। डायग्राम बस ये होता है कि इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, क्या बोलेंगे हम इनको, चैम्बर बोलेंगे। इनमें फ्यूल डाला जाता है, घास फूस जो भी है। ठीक है, यहाँ पे तो आप कोयले वगैरह का यूज़ करोगे, चिमनी वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके आसपास आप ईंटों का चट्टा लगा देते हो। ठीक है, और ईंटें पकती रहती हैं। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके का इसका डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है, तो इतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं, अलाहाबादी किल्न। अब हम आते हैं नेक्स्ट किल्न में, नेक्स्ट भट्टी पे, जो है कंटिन्यूस। पहले सेमी कंटिन्यूस देख लेते हैं। कई बुक्स में इसको सेमी कंटिन्यूस नहीं दिया है, अर्ध निरंतर, सेमी कंटिन्यूस नहीं दिया है, इसको कंटिन्यूस के अंदर ही लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा बुक्स में भी कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेमी कंटिन्यूस के अंदर ही लूंगा। ये भी क्या होता है, ठीक है, इसका भी कुछ भाग भूमि के भीतर होता है, कुछ भाग भूमि के भीतर होता है। ठीक है,
पहली चीज, इसीलिए इसको वर्षा में उपयोग में नहीं, मतलब बारिश में इसका यूज नहीं कर सकते, वर्षा में उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए इसका जो बर्निंग टाइम है, देखिए कई बुक्स में 24 घंटे लिखा गया है, कहीं पे मतलब अलग अलग डेटा लिखे हुए हैं, तो डेज में ही होता है, ठीक है। 12 दिन में लगभग 3 लाख ईंटें आपको मिल जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए बुल्स ट्रेंच किल, ठीक है, हिंदी में बुल की खाई भट्टा, ठीक है। डेटा थोड़ा अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे आपको, इसलिए संख्या में नहीं लिखा रहा हूं। दूसरी चीज, इसका जो आकार होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आकार इसका जो होता है वो होता है स्फेरॉइड, ठीक है, यानी कि अंडाकार, अंडाकार। सर्कुलर मत कर देना, क्योंकि सर्कुलर हॉफमैन का होता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना सर्कुलर आपने वहां पे यूज करना है। तो यहां पे इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ भाग भूमि में होता है, वर्षा में आप इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेमी कॉन्टिन्यूस के अंदर रखा है, क्योंकि जब बारिश होगी तो आप इससे ईंटें नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है लगभग 12 दिनों में 3 लाख ईंटें आ सकती है, और आप ये भी लिख सकते हो कि 10,000 ईंटें लगभग पर डे मिल जाती हैं। अब लास्ट में आते हैं कॉन्टिन्यूस, सी है कॉन्टिन्यूस किल्न, ठीक है। कॉन्टिन्यूस किल्न में हम देखते हैं कि आपका जो एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ठीक है, हिंदी में तो इसे बोलते हैं निरंतर भट्टा, निरंतर भट्टा। इसमें आपको पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ठीक है, लगातार आप क्या करते हो, ईंटे डालते रहते हो, लगातार कच्ची ईंटे डालते रहते हैं, और मतलब मिलती भी आपको रहेंगी, ठीक है, जब डालोगे यानी कि दूसरी तरफ से बाहर में निकलते रहती हैं, ठीक है। लगभग 12 चैम्बर इसमें होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर इसमें आपको मिलेगा हर एक चैम्बर में, ठीक है। फिर इसका जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल है हॉफमैन किल, हॉफमैन किल, ठीक है। और इसका जो आपका मतलब इसमें आप करीबन 40 लाख तक की ईंटें आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। डेटा मैंने पहले ही बोला, आप मतलब एक सीजन में मतलब पूरे साल भर में 40 लाख ईंटें भी इससे निकल सकती हैं, ठीक है, डेली का आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए। फिर वो सब एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बस इतना आता है कि हॉफमैन कौन सी किल्न है सबसे अच्छी कॉन्टिन्यूस किल्न है, ठीक है। खर्चीली होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें चैम्बर्स की संख्या ज़्यादा होती है, चिमनी की व्यवस्था करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी चिमनीज की, ठीक है, दो चिमनीज इसमें लगी रहती हैं, नॉर्मली प्लान में देखा जाता है। हाँ, प्लान की बात करें तो प्लान से क्वेश्चन आते हैं कि इसका प्लान कैसा होता है, तो इसके प्लान का जो आकार है वो सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, ठीक है। तो ये 3 तरह के भट्टे आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया कि भट्टा यानी कि किल 2 तरह की है, ठीक है, इसको आप चलिए दोस्तों, अब हम टेस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स में, ठीक है, टेस्ट ऑन ब्रिक, ठीक है, ईंटों के परीक्षण, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला टेस्ट मैं आपको कराऊंगा माप के लिए, डायमेंशन टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट माप परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि जो ईंटें हमने मंगाई हैं उसमें हम करीबन 20 ईंटें लेते हैं और उनको चेक करते हैं डायमेंशन के, कुछ हमारे कंपैरिजन है कि इस डायमेंशन जो आना चाहिए 20 ईंटों का वो इसके इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे आगे। दूसरा जो टेस्ट मैं आपको कराऊंगा वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है, जल अवशोषण
परीक्षण। ये दो टेस्ट होते हैं, एक में अगर आप ठंडे पानी के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे के लिए डालना पड़ेगा ईंटों को पानी में, और अगर आप गर्म पानी के साथ इस टेस्ट को कर रहे हैं तो 5 घंटे के लिए, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि ठंडे पानी के साथ कर रहे हैं आप गर्म पानी के साथ। तो तीसरा जो टेस्ट है वो है वारपेज टेस्ट, मोड़ वगैरह देखने के लिए जो आपकी ईंटें हैं वो कहीं मुड़ी हुई तो नहीं है, तो उसके लिए जो होता है वो वारपेज टेस्ट होता है। चौथा, सॉल्युबल साल्ट्स की प्रेजेंस जानने के लिए कि इसमें कुछ घुलित लवण तो नहीं आ गए ईंट के जो ब्रिक अर्थ में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके लिए एक टेस्ट होता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। उत्फुल्लन परीक्षण, ठीक है। और लास्ट जो टेस्ट हम करेंगे वो उसकी संपीड़न सामर्थ्य जानने के लिए करेंगे ब्रिक की, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। इसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट आपको बताए थे, फील्ड टेस्ट थे आपके। फील्ड टेस्ट में देखिए, ये सब के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फील्ड टेस्ट में आपको बता चुका हूं पहले कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से ईंट को फेंका जाता है और वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी आप अपने नोट्स में लिख दीजिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नाखून से खुरचते हो तो निशान नहीं पड़ना चाहिए ईंट पे, तो वो आपका एक एब्रेजन टेस्ट हो जाएगा ईंट का, ठीक है। और इसके बाद बस इतने ही थे, जो उसकी एजेज होनी चाहिए, धार होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, रंग होना चाहिए एकदम चेरी रेड, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट मैं आपको बता चुका था, तो ये कॉमन है। ये थोड़ा लेबोरेटरी वाले टेस्ट हैं जिसमें आपको थोड़ा लेबोरेटरी का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑन ब्रिक हेडिंग डालिए और सबसे पहला टेस्ट लिखिए डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशन टेस्ट, माप परीक्षण,